सिंध में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 तक खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं महनाज। सिंध में कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 तक खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत ने सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध में कोरोना से मुतालिक नई एहतियाती तदाबीर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आधे मुलाजमीन नोटिशन के तहत घर से काम करेंगे। सैन में मज़ारात और जिम बंद करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद हो गई, जबकि शादी हालों में सिर्फ 200 मेहमानों तक की इजाज़त दी गई है और खाना पैकेट्स में फराम करना होगा। तकरीब रात 9 बजे तक ख़त्म करना होगी। इधर पंजाब के दफातर में हाजिरी 50% कम करने का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफ़ाक़ी ज़ब वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने करोना वायरस की दूसरी लहर में ख़तरनाक इजाफे के बाद 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था। इनका कहना था कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की मुकम्मल तातीलात होंगी। शफकत महमूद ने कहा कि सूरत हाल देखकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। कल कौमी राबता कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे बंद करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करें। इसके साथ ही मनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।